कार्यक्रम आज है, सम्मान मिलने वाला है। किस क्षेत्र में मिल रहा है आप लोग को? युवा के क्षेत्र में सम्मान मिलने वाला है। क्या शुभ नाम है आपका? रीता मिश्रा जी। तो कैसा लग रहा है सम्मान पाकर? बहुत खुशी हो रही है, सम्मान जी। आपका शुभ नाम? संदीप ले। और यहाँ पे आज एक कार्यक्रम है, सैल्यूट तिरंगा कार्यक्रम, जहाँ पे महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे आई हुई हूँ, तो यहाँ बहुत सारी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है और हमें भी सम्मानित किया जा रहा है। तो आज अभी गाने वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है और बाहर चाय नाश्ते का प्रबंध है, तो यहाँ लोग चाय नाश्ते के लिए रहते हमारे से इसीलिए देख सकते हैं। तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ है और बहुत देर तक कार्यक्रम चलने वाला है। आप लोगों को इसके बाद दिखाते हैं। सैल्यूट तिरंगा कार्यक्रम में आज दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में कई महिलाओं को सम्मानित किया गया और तिरंगा हमारी राष्ट्र की शान है, धरोहर है और उसके प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव तक कार्य हो रहा है। जी मैडम, आप लोग आज क्या? नीतू सिंह जी, जोर से बोला जा। नीतू सिंह, हाँ, आपको किस क्षेत्र में सम्मान मिला है? अभी सम्मान देंगे। समाज सेवा के क्षेत्र में मिल रहे हैं जी। आप कहाँ से आई हैं? संगीता वर्मा, नई दिल्ली से। तो आपको किस क्षेत्र में मिल रहा है? सोशल वर्कर। तो देखिए, सभी सोशल वर्कर हैं और इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है और आज सैल्यूट तिरंगा इन्हें सम्मानित कर रही है। कार्यक्रम का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो रहा है, महिलाओं के द्वारा जो हाथ से हस्तशिल्प कला का भी यहाँ प्रदर्शन है और चारों तरफ मनोरम वातावरण। तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा मेरी जान है और सबों को यह मान कर ही चलना होगा। तिरंगा सैल्यूट, तिरंगा सम्मान समारोह जी। आपका शुभ नाम? अभी आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। थैंक यू सो मच। माय नेम इज नंदिनी शर्मा, मैं दिल्ली से हूँ। मुझे जिंदर दलाल जी ने यहाँ इनवाइट किया था, सैल्यूट तिरंगा में यहाँ बहुत सम्मान मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दो लाइन सैल्यूट तिरंगा के सम्मान में मेरे चैनल के दर्शकों के लिए तिरंगा का कुछ दो शब्द गुनगुना दें। सैल्यूट तिरंगा में महिलाओं के अधिकार के लिए बात की जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं महिलाओं के अधिकार के लिए, देखिए मैं सबसे पहले ये चाहूँगी कि हमारी दिल्ली में महिलाएं सेफ सुरक्षित होनी चाहिए। रात को महिलाएं जब भी अपने घर से निकले तो वो असुरक्षित महसूस ना करें, हमेशा सुरक्षित महसूस करें, वो हमेशा अपने आप को निडर फील करें कि हम कहीं भी एनी टाइम पहुँच जाए। मैं सैल्यूट तिरंगा में बिहार प्रदेश में संगठन मंत्री हूँ और दिल्ली में राष्ट्रीय टीम में राष्ट्रीय सचिव हैं बिजनेस प्रकोष्ठ के। हम काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, मैं मुझे जब संगठन बना उसी समय में हमारी मुलाकात राजेश झांसी है। आज हमारा देश जिस स्थिति में गुजर रहा है ना, तो एक मानव का सोच होना चाहिए। ये किस किस क्षेत्र से और किस किस राज्य से? ये हमारे पूरे देश में हमारा संगठन बहुत मजबूत है और पूरे देश में जो महिला संगठन में है उसके लिए ये सम्मान। तो आपने सुना, इन्होंने कहा कि पूरे देश में हमारा संगठन है। और रीता मिश्रा दिल्ली दिन से पत्रकार संपादक और कई संगठनों के साथ मैं जुड़ी हुई और साथ में सैल्यूट तिरंगा के साथ भी जुड़ रही हूँ और ये ज्योति झा जी के साथ मैं मिलकर जुड़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आगे इनके साथ मिलकर मैं काम करूँ। इसके लिए हम अपने बेटों को हमें अपने अच्छे संस्कार देने होंगे कि वो हर महिला का सम्मान करें, हर लड़कियों का सम्मान करें। इसके लिए हमारी बेटियों को ये नहीं दोष देना है कि वो कपड़े कैसे पहनते हैं, बल्कि हमें अपने बेटों को शिक्षा देना है कि वो हर महिलाओं को अपनी बहन और माँ के समान।
आएंगे तो हम उसको हर एक चीज से सम्मान के साथ साथ हम उसको न्याय भी दिलाने के काम करेंगे। आप लोग आज के कार्यक्रम में आई है, सम्मान मिलने वाला है, किस क्षेत्र में मिल रहा है आप लोग को? हमें सामाजिक सेवा के, थोड़ा जोर से बोलिए, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सम्मान मिलने वाला है। क्या शुभ नाम है आपका? नीता मिश्रा जी। तो कैसा लग रहा है सम्मान पाकर? बहुत खुशी हो रही है, सम्मान जी। आपका शुभ नाम? नीतू सिंह जी। जोर से बोला जाए, नीतू सिंह। हाँ, आपको किस क्षेत्र में सम्मान मिला है? समाज सेवा। कुमार स्वरूप जी का स्वागत हो रहा है, जोरदार तालियों से कुमार स्वरूप जी।